आज मैं आपके बीच हूँ अपने कई सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को साथ में लेकर, और बहुत अच्छा लगता है। किसी भी टीचर को, पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है जब बच्चे अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। अब मिलते हैं युवा पीढ़ी के इन तीन बच्चों से जिन्होंने मेहनत की, पहले एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, फिर उससे और बेहतर प्लेटफॉर्म मिला, तो वो पिछले पायदान को छोड़ के अगले पायदान पर पहुंच गए, और अभी भी पढ़ाई उम्मीद करती हूँ जारी रखी होगी ताकि आगे बढ़ पाए। चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। हाँ बेटा, स्क्रीन पे हो, बताओ अपना नाम। मेरा नाम अंजलि है, मैं आईसीएस जीन से हूँ। अच्छा अंजलि, कितनी एज हो गई और किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ बेटा? क्या क्या तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं बताओ। मैम मेरी एज 21 ईयर्स है और मेरा फाइनल सिलेक्शन एचएसएससी क्लर्क में हुआ है। पहले डी ग्रुप में हुआ था। डी में ज्वाइन किया था? डी में मार्च में ज्वाइन किया था। कुछ सैलरी मिल गई थी? हाँ मैम, 4 महीने की मिल गई थी, 4 की आनी बाकी है। अच्छा 4 महीने की आ गई थी। कितनी सैलरी थी ग्रुप डी में? 2800 समथिंग मिलती थी। चलो तो 28,000, मतलब 4 महीने, ये माने तो 8 महीने में भाई खाली नहीं बैठी रही। जो कहते हैं कि ग्रुप डी में क्या है तो भाई कुछ तो है ही। yes, कम से कम भी ये लगा लो लगभग 2 लाख रुपए हो गए ना इस हिसाब से, तो 2 लाख रुपए की कमाई तो हुई। अब ग्रुप सी में आ गया नंबर। yes, ma'am. और कितनी एज बताई बेटा? 21। बहुत यंग एज है। कितनी उम्र में पढ़ने आ गई थी? मैम 12th के कुछ मंथ्स बाद ही। अच्छा 12वीं के तुरंत बाद ही तुम आईसीएस जीन में पहुंच गई थी। किसने सजेस्ट किया था बेटा? मैम सजेस्ट जैसे पहले यही था कि सरकारी नौकरी की तैयारी ही करनी है। पापा गवर्नमेंट जॉब में है क्या? नहीं मैम, फार्मर ही हैं। अच्छा किसान हैं पापा। हाँ, और घर में सबसे बड़ा कौन है? मैं ही हूँ मैम। तुम सबसे बड़ी बहन हो? हाँ, तो 12वीं करते करते सपना देख लिया सरकारी नौकरी? हाँ, का मैम। फिर मैंने पहले दिन ही मतलब आईसीएस में जाके देखा था कि सेंटर देखते टाइम, तो फिर वही 1-2 दिन के बाद एडमिशन ले लिया था। अच्छा फरवरी 2022 से फिर रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई। फरवरी 2022 में रेगुलर क्लासेस पढ़ने लग गई। ठीक, फिर 22 में ही नवंबर में एग्जाम था, तो हाँ, बढ़िया तैयारी हो गई थी तुम्हारी। लगभग साल भर पढ़ने का मौका तुम्हें मिल गया, जिसका फायदा तुम्हें ग्रुप डी में मिला। फिर ग्रुप डी से ग्रुप सी में जब आया, जिस दिन वो रात में रिजल्ट आ रहा था, तब था कि मेरा ग्रुप सी में पक्का आ जाएगा? हाँ मैम था ये कि आ जाएगा। अच्छा अब क्या हो गया बेटा, फाइनल क्लर्क हो गया? कहाँ पर हो? जींद में ही मैम। जींद में ही मिल गया? हाँ मैम। बहुत बढ़िया, कौन से उसमें मिला, किस डिपार्टमेंट? ट्रांसपोर्ट में। अच्छा स्टेट ट्रांसपोर्ट में एज क्लर्क तुमने ज्वाइन कर लिया। कितना डिफरेंस है डी में और इसकी सैलरी में? इसकी मैम 32-33 इतनी मिलती है। 32-33 इन हैंड आएगी। हाँ। वैसे पड़ेगी तुम्हें 35-36 के आसपास, है ना? हाँ, तो मतलब लगभग लगभग 10,000 का हेर फेर है। हाँ। तो ग्रुप डी तभी तो सबने खाली कर दिया, अब सब हाँ, ग्रुप सी में पहुंच गए। 10,000 रुपए, फिर ये बढ़ते टाइम भी फर्क पड़ता है ना, हर साल इंक्रीमेंट होगा। हाँ, उसके हिसाब से होगा। हाँ, तो बेटा 21 साल में सरकारी नौकरी तुम्हें मिल गई। अब पापा कितने खुश हैं? बहुत खुश है मैम सभी। हाँ, एक किसान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसकी परवरिश इतनी अच्छी थी कि उसकी बेटी भटकी नहीं, किसी गलत रास्ते पे नहीं गई, पढ़ लिख कर मेहनत करके 12वीं करते ही उसने सपना देखा सरकारी नौकरी का और यहाँ तक पहुँच गई। जब तुम 12th करके आई, किस स्ट्रीम से पढ़ी थी बेटा? नॉन मेडिकल। जब तुम आई तो तुम्हें पढ़ाई थोड़ी अलग तो दिखी होगी, क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई अलग होती है, ये कॉम्पिटिटिव थोड़ी सी अलग होती है। बस मैम आपका तरीका देख के अच्छा कुछ अलग नहीं लगा। तो तुम्हें पढ़ना आसान दिखा? हाँ, तो अब जो तुम्हारे साथ की लड़कियां हैं और वो तो मेरे ख्याल ग्रेजुएशन कर रही होंगी। हाँ मैम, किसी का हो गया, किसी कॉलेज में है सब। वो जो कॉलेज गई लड़कियां और तुम, अब तुम में बहुत बड़ा अंतर आ गया होगा। हाँ, आज तुम बड़ी पार्टी दे सकती हो, है ना? अब तुम लखपति बन गई हो। अच्छा हमारे बीच में अशोक मुकेश अरोड़ा जी हैं, सर जींद ब्रांच चलाते हैं। सर बहुत लड़कियां, बहुत बच्चे लड़के आपकी तारीफ करते हैं कि आपने ब्रांच का माहौल भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। ये बहुत बड़ी एक योगदान देता है, जैसे 20-21 साल के बच्चे लग के आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रांच के जो हेड हैं, जो ब्रांच के वहाँ पे संभालने वाले हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो है ना सर, ये पुण्य है एक तरह का, ये पुण्य आप कमा रहे हैं कि एक अच्छा माहौल देके इन बच्चों को, 21 साल की जिसकी बेटी लगे। तो पिताजी ने क्या किया? पूरे सेंटर में मिठाई बांटी है सबके लिए, काफी सारी डिब्बे मिठाई के लेके आए और बोला कि सबको खिलानी है। अच्छा नौकरी लेनी। अच्छा तो पिताजी कितने खुश थे, बड़े दिल के इंसान है। उनकी खुशी देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ ये मतलब ये पुण्य है सर, कितनी दुआएं उनके मन से निकली होंगी आपके लिए भी। जैसे अगर आप जीन में ब्रांच ना चला रहे होते तो बेटी को बहुत दूर तो भेजना पॉसिबल ही ना होता। बहुत बढ़िया, तो बेटा फादर बहुत खुश है। कितने भाई बहन हो तुम लोग? दो है मैम, वो भी आईसीएस में कोचिंग ले रहा है। अच्छा छोटा भाई है? हाँ, तो उसको भी बोलो कि भाई देख जैसे मैं लग गई ऐसे तू भी लग जा, दोनों भाई बहन मिलके अपने घर के स्तर को सुधार लेंगे। मम्मी हाउसवाइफ है? यस मैम। चलो तो 21 साल में बिल्कुल सही एज में बेटी को नौकरी मिल गई। बहुत सारे लोग तो 25 तक बैठे ही रहते हैं, सोच ही नहीं पाते।
तुमने 17 साल प्लस में ये डिसीजन लिया कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और सही जगह पहुंच गए बेटा। कभी कभी ये मन में मलाल है कि यार कॉलेज जाती तो अलग ही जिंदगी होती। मैं भी एक बार भी नहीं फील हुआ मुझे तो। नहीं हुआ तो कॉलेज को मिस नहीं करती तुम? बिल्कुल भी नहीं मैम। ये टाइम बहुत बढ़िया था मैम। और जो ICS में तुमने माहौल देखा वो मुझे लगता है कॉलेज से फार बेटर है। वहाँ भी वही सारी चीजें हैं भाई, नाच गाना भी है, मौज मस्ती भी है, पढ़ाई भी है और मोटिवेशनल बातें भी होती हैं, सब कुछ मिला जुला मिक्सचर है। मैंने रेगुलर से एडमिशन कैंसिल करा के फिर डिस्टेंस से लेके फिर ICS ज्वाइन किया। अच्छा, पहले रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले लिया फिर वहाँ से चेंज कराया। 5-4 दिन जाके देखा मैम कि कुछ नहीं आठ लगना यहाँ पे थी। हाँ बिल्कुल सही। तो तुमने बड़ा टाइम पे समझदारी दिखाई बेटा। हाँ, इसीलिए आज तुम दो दो सरकारी नौकरी, 21 साल की छोटी सी उम्र में दो दो सरकारी नौकरी बेटी के हाथ में है। 10 से ज्यादा पेपर पास है। अच्छा, 10 से ज्यादा पेपर पास है, इसका मतलब सब बहुत मेहनती बच्ची है। 100 बच्चों का बैच था, 90 प्लस उनमें से लग गए हैं। अच्छा लगता है सर, ICS हर जगह छा गया, मतलब जहाँ जाते हैं सुनते हैं हर डिपार्टमेंट में कि ICS के बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलो, मोनिका नाम बताया ना, अंजलि। अंजलि, बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक, अब मिले आप अंजलि से, एक बहुत यंग सी लड़की, 21 साल। बहुत बच्चे तो ये सोच भी नहीं पाते कि हमें जिंदगी में क्या करना है, और इसने 10 से ज्यादा एग्जाम क्लियर कर दिए गवर्नमेंट जॉब के, और 2 इसके फाइनल सिलेक्शन है, 1 जॉइनिंग करके 8 महीने जॉब करके उसको छोड़ के अब फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन, हरियाणा ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के थ्रू क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत है। और अब 33-34 हज़ार, तो इसको मेरे ख्याल लगभग टोटल सैलरी 35-36 हज़ार के आसपास है ना, और अभी भी पढ़ाई जारी रखेगी, उम्र कम है, बहुत आगे तक जाएगी। तो ऐसी बेटियां अपने माँ बाप की शान बढ़ाती हैं। इसके पिताजी ने पूरे सेंटर में मिठाई बंटवाई इस खुशी में कि मेरी बेटी लग गई। आप सोचिए उस बाप को कितनी खुशी हुई होगी, उनको ये लगा कि भाई मैं कितना फ्री हो गया। जैसे 21 साल की बेटी अमूमन बहुत ही कम, जैसे होता है ना, बौद्धिक विकास भी नहीं होता कि जिंदगी का बड़ा फैसला ले पाए। यहाँ इस बेटी ने प्रूव कर दिया कि अगर आपकी परवरिश अच्छी है, आपके माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए हैं, तो बहुत यंग एज में आप अपनी जिंदगी के सही फैसले कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जैसे ही पॉसिबल होगा अब दोबारा से ऐसी, क्योंकि बच्चे ना मोटिवेशनल स्टोरी हैं और ये रियल हैं। अभी वो बेटी कविता आई थी, उसने क्या कहा कि पहले मैं सोचती थी पता नहीं ऐसे ही आ जाते हैं क्या, लेकिन फिर जब वो आज खुद आई तो उसने कहा नहीं, ऐसे कोई नहीं आता, घड़ी लेने जो आते हैं वो सच में कामयाब लोग होते हैं। तो इन बच्चों से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब जिंदगी में मुश्किल हालात आए, कि यार किसान का एक बेटा लगा था, ऑटो चलाने वाले का बेटा लगा था, कोई ड्राइवर का बेटा लगा था, कोई रेहड़ी लगाने वाले का बेटा लगा था, तो मैं क्यों नहीं लग सकता। और जब ये मन में आ जाता है ना, मैं क्यों नहीं कर सकता, फिर अपने आप मन करता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो सही रास्ते पर चलते रहिए, खुश रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। ये आने वाला जो साल होगा 2025, ये आपकी सरकारी नौकरी का साल बन सकता है, बशर्ते आपने तैयारी अच्छे लेवल की कर रखी हो। ICS से जुड़ना चाहते हैं तो फिर टाइम टू टाइम ये हमारा पेज है, इस पे हम ये सारी बातें बताते रहते हैं, आप सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू।